जोधपुर के शेरगढ़ के बुंगरा गांव में हुए गैस हादसे के घायलों और मृतक आश्रितों को विशेष सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर आज सर्व समाज की ओर से एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा है। धरना दे रहे लोगों ने मांग की है कि घायलों को 25 लाख व मृतकों को 50 लाख और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मांगे नहीं माने जाने पर पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा और ना ही धरने से हटेंगे। बड़ी संख्या में आज सर्व समाज के लोग धरने स्थल पर पहुंचे। सभी की एक ही मांग है कि सरकार इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों को विशेष सहायता पैकेज दे। वहीं धरने पर आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, भाजपा नेता भोपाल सिंह बड़ला, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, छात्र नेता मोती सिंह जोधा, ओम बना टाइगर फोर्स के माधवन सिंह, पार्षद रेवत सिंह इंदा, मारवाड़ राजपूत सभा के त्रिभुवन सिंह भाटी सहित कई लोग धरने पर बैठे। इन लोगों की मांग है कि जब तक इन त्रासदी के लोगों को 25 लाख रुपए व मृतकों को 50 लाख रुपए सहित एक परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक ये ना तो धरना हटाएंगे और ना ही अब पोस्टमार्टम कराएंगे। आपको बता दें कि इस गैस त्रासदी के अंदर अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग घायल है, जिनका जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, जिला जोधपुर में भूंगरा में गैस की जो त्रासदी हुई है वो बहुत दुखद और हृदय विदारक है। आप देख रहे हैं कि ऐसे घर हैं जिनमें कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे बसे हैं। ऐसे में स्वयं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ पधारे थे अस्पताल में। उस समय मैंने उनको कहा था कि आप विशेष पैकेज की घोषणा कराओ, तो उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करें, अच्छी पैकेज की घोषणा होगी। लेकिन 8 दिन हो गए घटना को और आप देख रहे हैं लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और लोग कालकल्पित हो रहे हैं। शादी समारोह में 36 कौम के ही लोग थे और 36 कौम ही कालकल्पित हुए हैं। करीब 28 लोग तो इसमें कालकल्पित हो गए, दुर्घटना के शिकार हो गए, और 25 लोग अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार अक्रमणीय बनी हुई है, सरकार की असंवेदनशीलता है। और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी जब कभी घटना हुई तो अपने मारवाड़ में विशेष कोर के मेहरानगढ़ की दुर्घटना के बाद में ये बड़ा हादसा है और बड़ी दुर्घटना है। तो ऐसे में सरकार को आगे पहल करके और विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। पहले भी अजमेर में ऐसी गैस त्रासदी हुई थी, उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने ये विशेष पैकेज दिया था। और सावड़ो गांव में भी आगजनी हुई, तो उसमें हम सभी लोगों ने, जब सत्ता में थे हम लोग, तो हमने मांग करी कि इसमें आपको 5 करोड़ का पैकेज देना चाहिए। 5 करोड़ का हमने कहा और 5 करोड़ की उन्होंने सहमति दी और 5 करोड़ मिले। और वो 5 करोड़ यहाँ कमेटी बना करके हम लोगों ने तय किए थे कि किसको कितना पैसा देना है, उस अनुपात में वो पैसा बांटा था। और गांव का जो हुलिया खराब हुआ था उसके विकास के लिए भी पैसा दिया था। आज सर क्या मांग तो है? आज ये मांग है कि जब ऐसी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, परिवार के परिवार स्वाह हो गए, ढाणी स्वाह हो गई, घर नहीं बचा, तो ऐसे में सरकार को आगे चल करके सब लोग मांग कर रहे हैं कि बड़ा पैकेज सरकार आगे आकर करे। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो मृतक हैं, जो कालकल्पित हो गए, उनको 50 लाख रुपये, घायलों को 25 लाख रुपये, और कुछ परिवारों में केवल बच्चे हैं, उसमें कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सरकार करे। उसके साथ ही स्वर्गीय सगत सिंह जी का परिवार ही पूरा आप देख रहे हो, पूरी ढाणी सभा होगी, तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो सामान जला है और सामान खराब हुआ उसका सरकार आकलन करे। सोना गया, गहना गया, खाने पीने का सामान गया, कपड़े गए, शादी का सारा सामान चला गया, उसका सरकार आकलन करे और उस सामान की भरपाई करे, उसका भी मुआवजा दे। साथ ही जो पूरा मकान नष्ट हो गया है तो उस मकान के लिए भी पुनर्वास करने के लिए, उनको आवास निर्माण के लिए भी सरकार मुआवजा दे। तो और एक हम मृतक आश्रित विशेष तौर से तो इन सगत सिंह जी के परिवार के लिए मांग, नौकरी की मांग कर रहे हैं। एक उनके पड़ोस में और उनका जो परिवार भाई थे उनके, और वो शादी में आए हुए थे, उनके परिवार में भी करीब 8 लोग खत्म हुए। तो ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाले नहीं, सब लोग चले गए, तो उसमें कोई आश्रित है तो उनको नौकरी का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। ये सारी मांगे लेकर के यहाँ पर 36 को मतलब सर्वजातीय धरना है। आप देख रहे हैं आरएलपी के हमारे एमएलए साहब, हमारे साथी भोपालगढ़ प्रधान साहब बावड़ी, माधु सिंह जी उधर साहब, त्रिभुवन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, बाबू सिंह जी प्रधान साहब, और भी सैन समाज के लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, 36 कौम के समाजों के लोग आज यहाँ ऐसी मानवीय दृष्टि से, मतलब इंसानियत के नाते, मानवता के नाते सब लोग सहयोग करें। ये आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार से जगह जगह से सहयोग आ रहा है। जैसा बंद पड़ रहा है
जिन लोगों ने अकाउंट खोले हैं उसमें भी मदद कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ 3-4 अकाउंट खुले हैं जिनमें हम सहायता की मांग कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने पैसा भेजा है। जब आम लोग पैसा भेज सकते हैं तो सरकार के हाथ तो लंबे हैं, और सरकार के पास जो खजाना है वो जनता का खजाना है, उसमें से उनको आर्थिक मदद देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो यही मांग है कि सबसे पहले कह रहे हैं कि सरकार को राजधर्म निभाए, राम रूठे लेकिन राज नहीं रूठे, राज रूठे तो राम नहीं रूठे। अब राम रूठ गया तो राज को दोनों हाथ आगे करके ऐसे गरीब परिवार को संवेदना दिखाते हुए मदद करनी चाहिए। इसलिए मांग है, और सब लोगों की मांग है कि 8 दिन हो गए सरकार की जू नहीं रंग रही, और अभी तो मुआवजा दिया है वो तो अमूमन सबको मिलता है, घायल होता है उनको 1 लाख को, मृत्यु हो उनको 2 लाख को। अब उन्होंने कहा संजीवनी हम 5 लाख देंगे, तो संजीवनी तो प्रीमियम आधारित योजना है, उसमें बीमा क्लेम मिलता है, और वो एज ए बीमा क्लेम का 5 लाख रुपये है। तो उसमें कहाँ सरकार की मदद हुई? सरकार की मदद अगर कोई है तो 2 लाख रुपये मिले। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बांटने गए हैं जो हमारे प्रतिनिधि थे उनको भी ये बांटने नहीं चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि ये वापस रिटर्न करो, आप हमको विशेष पैकेज दो। उन्होंने 1 लाख और 2 रुपये बांटे क्यों? और मैंने कह रहा हूँ 1 लाख 2 लाख लिए क्यों, जब आम सर्व समाज 36 कौम के लोग मदद कर रहे हैं तो 2 लाख और 1 लाख सरकार से हम क्या लें? सरकार के तो हाथ लंबे हैं, उनको तो विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। ऐसी मतलब आप देख रहे हैं कि आप जब ढाणी देखोगे, परिवार देखोगे, तो आपका खुद का दिल दहल जाएगा। हम तो हमारे एरिया में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, और जिन्होंने भी भाषा देखा है उनका तो खाना पीना ही अंग नहीं लग रहा है, खाना पीना ही छूट गया है। ऐसे हालात हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तब ये धरना देना एक मजबूरी हो गई। बाकी धरना किसी को शौक नहीं होता कि भी धरना दें, प्रदर्शन करें, किसी का नहीं है। 36 को हम धरने दे रहे हैं, और धरना देने के बाद तुरंत आज ही फैसला करे सरकार, नहीं तो मारवाड़ में और राजस्थान में विशेष तौर से सभी जिलों में आंदोलन चलेंगे और यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा, और इसकी जिम्मेवारी और इसका परिणाम सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। 2-3 जी सर, आज मोर्चे में किस बात को लेकर? देखिए, अभी जोधपुर ज़िले के अंदर भूंगड़ा गांव के अंदर जो गैस त्रासदी हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, और इसके अंदर 28 दिनों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के शादी समारोह के अंदर बरात रवाना हो रही थी, और उस फंक्शन में इस टाइप की त्रासदी होनी बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए हनुमान जी भी यहाँ हॉस्पिटल में आके गए थे, उन्होंने भी डॉक्टरों से बातचीत भी की थी, और उसी दिन सरकार से मांग की थी उन्होंने कि अंदेशा है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना साबित होगी, आपको परिवार को 25 से 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बड़ी दुखी बात है, 28 मौतें होगी, उसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई पैकेज या सहायता की घोषणा नहीं करना, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2-2 लाख की घोषणा कर देना, ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी दुख की बात है। इतनी बड़ी त्रासदी मारवाड़ के अंदर हमने न तो पहले देखी न सुनी। सर, आज ये धरना देने का, आज अभी जो कल जो जिनकी मौत हुई है उन परिवार ने और समाज ने बोडी उठाई नहीं है, अभी बोडी है यही मोर्चरी के अंदर है, और सभी लोग हम उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जिनकी मौत हो चुकी है, जिनका इलाज हो रहा है, जो घायल हैं, जो आईसीयू में है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और सरकार एक विशेष पैकेज की घोषणा करे, उन परिवारों को नौकरी दें जिनके एक एक परिवार में से 5-5-6 से कम आने वाले सदस्य की डेथ हो गई। क्या कारण? सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ आज 8 दिन हो गए इस घटना को, सरकार की तरफ से कुछ भी मतलब हकीकत ये हुई है कि यहाँ के अधिकारी कलेक्टर और SP को भी मौके पर जाने का भी 7 दिन में समय नहीं मिला। कल जब देवी सिंह जी भाटी आए और उन्होंने जब कहा, तब कल कलेक्टर और SP मौके पर गए। इतनी बड़ी त्रासदी मेरे हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी त्रासदी है, और उसके अंदर सरकार में बिल्कुल संवेदना नहीं है कि रोज़ की दो तीन डेथ हो रही है। लेकिन फिर कल सब ने बैठ गए, 36 ही कौम के लोग हैं इसमें, कोई किसी जाति विशेष की बात भी नहीं है, नाई भी थे और भी दूसरे हमारे बाजेदार भी थे, सब लोग थे शादियों में, तो सबकी ये साथ ये हुई है, 36 कौम के लोग सारे लोग इसमें है। लेकिन कल फिर सब ने निर्णय लिया कि अब जब तक सरकार कोई उचित बात हमारी नहीं सुनेगी और उचित मुआवजा, और जो हमने डिमांड रखी है 50 लाख प्रत्येक मृतक को, 25 लाख प्रत्येक घायल को, और एक सरकारी नौकरी, इन तीनों डिमांड के ऊपर हम सब यहाँ धरने पे बैठे हैं, और अब कोई भी बॉडी यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी। अगर शर्तें नहीं मानी गई? नहीं, शर्तें नहीं मानी गई जब तक हम बैठे हैं धरने पे।
और आज ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने दिए हैं पैकेज। आपको अगर ध्यान हो तो कुछ साल पहले एक पहले घटना हुई थी, उसमें भी एक राजस्थान सरकार थी, उसमें 5 करोड़ का पैकेज दिया था। सरकार के हाथ में सब कुछ है, टैक्स का पैसा है, किसी का व्यक्तिगत पैसा थोड़ी है। जब हम लोग खुद के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, जब ऐसी कोई त्रासदी हो जाए या किसी पे संकट आ जाए उस समय कम से कम सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए और सबके साथ समान दृष्टि से देखना चाहिए, भेदभाव वाली दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।